नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। क्या कहेंगे सर, आज के दिन, आज का दिन काफी खास है? कुछ नहीं कहेंगे, बहुत लोग कहने वाले हैं, सुन लीजिए। लेकिन आज का दिन तो काफी आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी जो है कहीं ना कहीं बेहद खास है सर। समूचे बिहार वासियों के लिए ठीक है, अच्छा दिन है निश्चित तौर पे। सर अब आगे ना छोड़ोगे तुम लालू प्रसाद यादव को क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस बार जो है सत्ता हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इसका परिणाम जो है और जवाब जो है देना होगा। अब देखिए, जो खूंखार दिमाग वाले लोग होते हैं उनके खूंखारियत ही सूझती है। अभी बिहार की जनता सुकून महसूस कर रही है, आशा बेशक व्यक्त कर रही है कि अब जो भी लाइन ऑर्डर खराब था, जो भी बातें आ रही थी, अब सब ठीक होगा। हाँ बहन जी प्रणाम 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 बहन जी, और ठीक है ना? अरे अरे, और ठीक ना? वाह वाह, चलिए। यही आपका अंदाज और जो विचार है यही जनता जो है काफी पसंद करती है सर। अब माननीय विधायिका हैं जी, हमारी बहन हैं जी जी, प्रणाम प्रणाम। निश्चित तौर पे तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को कहा कि अभी वो खूंखार बन गए हैं, राजभवन में हैं, जहां अब से थोड़ी ही देर पहले हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने जो है मंत्री पद का शपथ लिया है और ये खुशी का पल जो है अपने परिवारों के साथ जो है उन्होंने शेयर किया और अपने पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पति के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मेरे पति पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी बनने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहेंगे अपने हस्बैंड को। और पहले के अपेक्षा अभी मंत्री बने हैं तो हम चाहेंगे कि वो अपने काम पर अच्छे ढंग से करें, फोकस करें और खरा उतरें। अच्छा, अब तो उनका और भी काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया है, अब समय को लेकर के क्या कहेंगे? लग रहा है कि अब वो समय आपको देंगे जितना समय पहले बिजी शेड्यूल तो हो गया है, ऐसा नहीं है, वो अपने समय निकाल लेते हैं, परिवार के लिए भी निकालते हैं, राजनीति के लिए भी निकालते हैं, वो अपना समय शेड्यूल को अपना ये कर लेते हैं, निश्चित तौर पे नहीं है। लेकिन अब आगे की राजनीति को किस रूप में देखने, आप भी साथ देंगे उनका? हाँ बिल्कुल देंगे, ऐसा मौका मिला देंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जिसमें सबसे ज़्यादा संतोष कुमार सुमन जी का आप साथ देती हैं? देखिए, ये राजनीतिक जो उनका कार्य होता है उनमें हम ज़्यादा साथ देते हैं, निश्चित तौर ढंग से काम करें। अच्छा, क्या सलाह? कोई मतलब हम कभी ये नहीं करते हैं, कहते हैं कि आप, हम अपने तरफ से उनको कोई ये प्रतिबंध नहीं रहता है। आज गर्व हो रहा है अपने पति को लेकर? बहुत ज़्यादा। आपने सोचा था कि ऐसा जो है वह समय भी आएगा जब एक साथ एक बार पुनः फिर जो है इस तरह से देखने को मिलेगा? सर क्या कहेंगे, आज मंत्री पद फिर से आपने जो है आपने ओथ लिया? ये नीतीश जी का विश्वास है मेरे ऊपर, उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे सर? उनसे क्या कहना है, हम तो नीतीश जी को जानते थे, उनके नेतृत्व में हम पहले से थे निश्चित तौर पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये लोग हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं धोखा किए हैं। नहीं नहीं, निश्चित